हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी मज़ार लेकर आया हूँ जो रहस्यमयी है और तारागढ़ के कच्चे रास्ते में पड़ती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, आगे शेयर करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ऑन करना, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, चलते आगे और देखते आगे नज़ारा किस प्रकार का है। तो फ्रेंड, ये पूरा रास्ता है तारागढ़ का। अभी मैं आपको जो मज़ार लेके जाने वाला हूँ वो कच्चे रास्ते से, पहले मैं आपको ये बाय रोड बताता हूँ किस प्रकार का नज़ारा है यहाँ का। तो ये पूरा सीन है, ये देख सकते हो आप, ये पहाड़ों का काफ़ी शानदार, काफ़ी बढ़िया और शानदार नज़ारा है। ये आपको ताकत से ये जो दरगाह है हैप्पी वैली के, यहाँ से जाती है अंदर की ओर, जो पहाड़ों के बीच में रास्ता है पानी की मज़ार वाली, वही रास्ते से ताकत से ये दरगाह भी आती है। ये आपको तारागढ़ का पूरा बाय रोड दिखेगा जो मेन रास्ता है जाने का, आप अपने साधन के उपयोग से यहाँ जा सकते हो। काफ़ी बढ़िया ये तारागढ़ किला भी आपको नज़र आएगा, अभी हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं। तो फ्रेंड, अभी अपन कच्चे रास्ते से चलते हैं और वो रहस्यमयी मज़ार बताता हूँ मैं आपको। तो ये नज़ारा है, कुछ देख लीजिए, मोड़ काफ़ी ख़तरनाक है यहाँ के। दोस्तों, अभी हम कच्चे रास्ते से जो कि अंदरकोट के यहाँ से आ रहा है दरगाह के, जो अजमेर शरीफ दरगाह है वहाँ से अंदरकोट है ढाई दिन के झोपड़े के यहाँ से जो कच्चा रास्ता आ रहा, वहीं पे ये मज़ार आपको नज़र आएगी। इस मज़ार के छोटी सी क्लिप मेरे को मध्य प्रदेश से भेजी गई है, तो हारून अली नाम का एक बंदा है, उन्होंने भेजी थी। तो उन्होंने बोला ये मज़ार हमको दिखाइए वीडियो में, तो उन्होंने एड्रेस भी बताया, तो मैं आपको ये मज़ार के नज़दीक लेकर के आया हूँ। तो आप ये मज़ार देख लीजिए, छोटी सी वीडियो के लिए भेजी थी, लेकिन मेरे को कच्चे रास्ते में यही मज़ार मिल गई थी जब तारागढ़ का मैं कच्चे रास्ते का वीडियो बना रहा था, तो मैंने सोचा ये अलग से बना देता हूँ। तो देख लीजिए, आप ज़ियारत कर लीजिए। हालांकि मज़ार काफ़ी छोटी है, हर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन उन्होंने जो बताया इसके पीछे कि उनकी कोई मन्नत पूरी हुई थी यहाँ मांगने से, और फिर मन्नत पूरी होने के बाद उनको सपना आया था यहाँ पर, तो उन्होंने ज़ियारत करने की बोला। वो किसी प्रकार से अजमेर नहीं आ पा रहे, तो मेरे वीडियो के माध्यम से ज़ियारत कर लीजिए। हारून भाई के कहने पर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। देख लीजिए आप ज़ियारत, नीचे उर्दू में क्या लिखा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यही वह मज़ार है जो उन्होंने सपने में आई थी। हालांकि मेरे को यहाँ की कुछ ज़्यादा हिस्ट्री नहीं मालूम है, उन्होंने जो छोटा सा वीडियो क्लिप भेजा था उसी के ज़रिए ये मज़ार का वीडियो मैं बना रहा हूँ। उनकी बहुत बड़ी मन्नत पूरी हुई है, बच्चे से रिलेटेड जो मन्नत थी वो ही उन्होंने यहाँ मांगी थी, और उनकी मन्नत पूरी होने के बाद उनको सपना भी आया इसी मज़ार का। तो वो किसी प्रकार कोई अब अजमेर शरीफ नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्होंने मेरे से गुजारिश करी थी, तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये आपको तारागढ़ के कच्चे रास्ते पर मिलेगी, कुछ यहाँ का नज़ारा भी बताते तो मैं आपको किस प्रकार। और दोस्तों, आपको कहाँ की वीडियो चाहिए अजमेर शरीफ से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, तो अगला वीडियो मैं वहीं का लेके आऊँगा। तो एक अच्छे रास्ते पर ये छोटी सी मज़ार आपको नज़र आएगी, करामत काफ़ी बड़ी है, पता नहीं है जो भी मन्नत मांगते हैं पूरी होती है। देख सकते हो आप, ये कुछ सीन है यहाँ का, मैं आपको यहाँ से भी बता देता हूँ थोड़ा। ये कच्चे रास्ता जो अंदर कोट है, पहले आपको मीठे नीम की दरगाह की ज़ियारत होगी, उसी के बाद में ये आपको 10 से 15 मिनट तक चलना पड़ेगा कच्चे रास्ते में, आगे आकर के ये आपको मज़ार की ज़ियारत होगी, बुज़ुर्गों की मज़ार बताई जाती है। तो ये सीन देख सकते आप किस प्रकार का है, और भी नज़ारा बता देता हूँ मैं आपको यहाँ से कैमरा घुमा के। ये तारागढ़ के आसपास के जो तंबू लगे हुए हैं, ये तारागढ़ जाने के लिए रास्ता है कच्चा रास्ता, यहाँ से सीन बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आओ तो ज़ियारत कर सकते हो, तारागढ़ के कच्चे रास्ते में आपको यहाँ ज़ियारत हो जाएगी। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, आगे शेयर करना।